हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो उससे रिलेटेड आज एक जल्दी क्विक सी एक पेंटिंग बनाते हैं वाटर कलर में। लेट्स गो। सो गाइस, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मैं पेंट कर रहा हूँ एक सी टर्टल। जैसे पानी में तैरता हुआ नीचे से, काफ़ी इमेजेस देखने में आती हैं जो सी क्रिएचर्स हैं। वो कभी किसी प्लास्टिक में फंसे हुए, कभी किसी जाल में फंसे हुए, कभी स्ट्रॉ उनके नॉस्ट्रिल्स में, कभी टायर, कभी कप। तो सी को हमने एक तरह से डस्टबिन बना दिया है। मतलब जो भी हम गारबेज क्रिएट करते हैं उसे हम कहीं ना कहीं डिस्पोज करते हैं नेचर में, और सी एक बहुत बड़ा डस्टबिन हमने बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ज़मीन पर हम डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, तो समुंदर में कर देते हैं। लेकिन समुंदर अगर हम बात करें तो 1/3 जो पूरा है वो समंदर है, पानी है अर्थ का, और बहुत बड़ा एरिया है। बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स हैं उसके अंदर, ज़मीन से ज़्यादा क्रिएचर्स हैं उसके अंदर। और ऐसी चीज़ें हम बाहर से अंदर फेंक रहे हैं समंदर के, जो वहाँ की नहीं है, वहाँ से बिलोंग नहीं करती। वहाँ से चीज़ें निकाली जा रही हैं जो हमें चाहिए, और ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो समंदर को नहीं चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज़ विलुप्त हो गई हैं, हो रही हैं। और बहुत से जो एक पूरा इकोसिस्टम है समंदर का, वो सब हमने डिस्टर्ब कर दिया है। बाहर का तो किया ही है, समंदर का भी कर दिया है। तो इसमें मैं बस एक सी टर्टल दिखा रहा हूँ जो तैर रहा है, और उसके गले में एक मास्क फंसा हुआ है, सर्जिकल मास्क। क्योंकि हम चीज़ें बनाते तो अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए है, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम उन चीज़ों की जो वैल्यू है वो हमारे लिए कुछ नहीं रह जाती। और उसी चक्कर में हम उन चीज़ों को ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे वो औरों को हार्म करती हैं। तो इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया है। हम भी उसका पार्ट हैं, मैं भी उसका पार्ट हूँ, हम सभी उसका पार्ट हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब ठीक करो, ऐसा ना करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। करो जो आपको ठीक लगता है, करो आप। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। डिसीजन तो हम सबको लेना है, एक एक हर एक को अपने इंडिविजुअल लेवल पे लेना है। मैं तो बस एक एज एन आर्टिस्ट या तो वो सब चीज़ें सबसे पहले कर सकता हूँ मैं, सो दैट मैं कह सकूं कि आप ना करो, और अपने आर्ट के थ्रू वो चीज़ें दिखा सकता हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी एंड में तो मर्ज़ी आपकी है, आपने करना है या नहीं करना। बस तब तक आप आर्ट एंजॉय कीजिए, एक गमला पौधा लगा दीजिए और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ट्वीट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए। ये ब्रश पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैपनीज़ ब्रश पेन है, और काफ़ी काफ़ी अच्छा इसकी वाटर वाटर सोल्यूबल इंक है, वाटर प्रूफ नहीं है ये। और इसमें अलग अलग साइज़ेस भी आते हैं, तो मेरे पास ये सबसे बड़े वाला साइज़ है, और इसका भी अपना एक अच्छा रिज़ल्ट है। पूरा वाटर कलर करने के बाद अब मैं इससे आउटलाइन कर रहा हूँ, और इसमें काफ़ी वेरिएशन भी आ जाती है, चौड़ाई की, मोटाई की। जितना प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा चौड़ा आएगा। बस ये एक क्विक सा
वर्क था आज के लिए। आई होप यू लाइक इट और हैप्पी एनवायरनमेंट डे अगेन। सो गाइस, ये रही क्विक सी एक टर्टल, सी टर्टल की पेंटिंग विद द मास्क वी ह्यूमन डिस्पोज ऑफ जस्ट लाइक दैट। सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए नए आर्ट वर्क के लिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया। और कल मिलते हैं फिर नए आर्ट वर्क के साथ। बाय।